Hey guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो में मैं रिव्यू कर रही हूँ सेरोना की फेशियल रेजर की. मैंने पिछली वीडियो में भी रिव्यू किया था सेरोना के ही प्रोडक्ट का, क्योंकि मैंने तीनों प्रोडक्ट एक साथ बाय करे थे. मैं तीनों का रिव्यू करने वाली थी, बट मैंने एक ही वीडियो में तीनों का रिव्यू नहीं दिखाया. अगर मैं तीनों प्रोडक्ट को एक साथ रिव्यू करती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली हो जाती थी, इसलिए मैंने अलग अलग वीडियो को शूट करके रिव्यू कर रही हूँ. सो ये देख सकते हैं, इसका रेज़र है मेरे पास यहाँ पे. ये 3 पीसेस का एक पैक है. ये आईब्रोस, फोरहेड, हेयर लिप्स, अपर लिप्स, लाइट फेशियल हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है. तो मैं यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखाऊंगी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है. इसमें भी सारा इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है एंड सब कुछ आप देख सकते हैं. दिस रेजर पुट्स एन एंड टू पेनफुल सैलून ट्रिप्स. नाउ शेव एक्स्ट्रा आईब्रोज, हेयर, अपर लिप्स, फोरहेड. ओके, हाउ टू यूज, क्लींस एंड मॉइस्चराइज द एरिया टू बी शेव. जो भी आप पार्ट अपना शेव करना चाहते हैं फेशियल हेयर, उसको क्लीन कर ले, मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ले. यूज़ करने के बाद आपने इसे फिर से वॉश करके इसके को फिर से रख देना है. बैच नंबर, MFG, एक्सपायरी डेट सब इसमें लिखी हुई है. सो नेक्स्ट आप ये इसके प्राइस भी देख सकते हैं. इसके प्राइस है 275 और ये अलग प्राइसेस में भी आपको अनदर वेबसाइट पे अलग प्राइसेस भी मिल सकता है. तो ये 275 इसका एक्चुअल प्राइस है. तो चलिए ओपन करते हैं इसको. तो ये देख सकते हैं इसके अंदर ये 3 इस तरीके से रेजर्स हैं मेरे. सो ये अब आप देख सकते हैं इसके ये जो रेजर्स हैं कुछ इस तरीके के हैं. इसमें प्रोटेक्टिव कैप भी इसमें दिया गया. ये स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स है और इसके फाइन टूथ प्रोटेक्टिव गार्ड भी इसमें साथ में गार्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप. इसकी जो हमारा हैंडल है ये वीट स्ट्रॉ एंड ABS प्लास्टिक का है. चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपने अपने जो भी पार्ट को आपको शेव करना है उसको अच्छे से फेस वॉश करने के बाद में क्लीन कर ले. ऐसे भी आप क्लीन कर सकते हैं. क्लीन करने के बाद उसके ऊपर मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं या फिर एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप. इसमें लगाने के बाद में आपने इसे लिटिल लिटिल स्ट्रोक्स में करना है, छोटे छोटे धीरे धीरे करके. बहुत लंबा सा ग्लाइड नहीं करना आपने. लिटिल लिटिल ग्लाइड करते हुए ये देख सकते हैं ग्लाइड में मेरे बहुत कम इस तरीके से शेव करती हूँ. तो ये आप देख सकते हैं ये एक ही ग्लाइड में कैसे निकला है. इसी तरीके से आपने अपने फोरहेड, अपर लिप, फेशियल हेयर आप इससे रिमूव कर सकते हैं. ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप इसे चाहे तो ट्राई कर सकते हैं. आप इसे बाय भी कर सकते हैं ऑनलाइन. सभी की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल सबकी और इनकी खुद की वेबसाइट की भी, जहाँ से भी आप इसे परचेस करना चाहें कर सकते हैं. काफ़ी ईजिली यूज़ है, आप देख सकते. 2 मिनट के अंदर मैंने इसे शेव कर लिया है, 2 मिनट भी नहीं लगे. सो ये देख सकते हैं आप ये कैसे कैसे एक ही ग्लाइड में हेयर्स निकल आए हैं, फेशियल हेयर. सो ये देख सकते हैं आप. और हाँ, शेव करने के बाद आपने इसके बाद में भी मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करें. ये आपके जो भी आपका पार्ट वहाँ पर का काफ़ी क्लीन हो जाता है, उस पर आप मॉइस्चराइजर लगा लेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा. कोई भी आपको बम्स या पिंपल निकलने की टेंशन नहीं रहती है. सो ये लगाने के बाद में, सो आई होप आपको ये रिव्यू मेरा अच्छा लगा होगा. सो बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में.